हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय ऑनलाइन क्लास. इन द प्रीवियस क्लासेस वी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू टू मेन पार्ट्स एंड द थर्ड पार्ट वाज गोइंग ऑन एंड टुडे आई विल टॉट यू द सेकेंड पार्ट ऑफ जॉब वैकेंसी एंड अपॉइंटमेंट्स. सेकेंड पार्ट मीन्स पहले पार्ट में हमने समझा कि जॉब को फुलफिल करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, उसमें खाली जॉब को भरने के लिए विज्ञापन के लिए जो क्वेश्चन आता है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसका आंसर देते हैं. और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि यदि एक क्वालिफाइड पर्सन है, एक व्यक्ति, एक पर्सन है, एक कैंडिडेट है, एक लेक्चरर है और उसे जॉब चाहिए, इसलिए वो किस विज्ञापन जारी करेगा, तो उसके लिए किस तरह से विज्ञापन जारी करेगा, मतलब उसके लिए आंसर किस तरह से देंगे, आज हम वो पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले देखो इसके लिए भी फॉर्मेट चाहिए. ये सेकंड पार्ट है, ये हम क्लियर कर चुके हैं और ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले क्या है इसका फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स फॉर्मेट. इसका फॉर्मेट समझना जरूरी है. फॉर्मेट में देखो ये बॉक्स है, इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, सेंटर में टाइटल देते हैं. टाइटल क्या देंगे, टाइटल देखो इसके लिए है, ये है यहां पर. इसके लिए टाइटल क्या आता है, सिचुएशन है, सिचुएशन है वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट. और इसके लिए टाइटल क्या आता है, इसके लिए टाइटल आता है सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन है वांटेड. इस तरह से सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड. आज हम सिचुएशन वांटेड को पढ़ने जा रहे हैं. तो टाइटल हम क्या देखते हैं यहां पर, सिचुएशन है वांटेड, क्योंकि हमें जॉब चाहिए. सिचुएशन वांटेड, हमें खुद को जॉब चाहिए. इसकी शुरुआत है, देखो उसकी शुरुआत वैकेंट के लिए शुरुआत इंस्टीट्यूट के नाम से करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उसके प्रोफेशन से करेंगे, उसका किस तरह का कार्य है, किस तरह का व्यवसाय है, क्या काम करता है, उससे करेंगे. जैसे कि पहला पॉइंट आ रहा है यहां पर, नेम ऑफ द प्रोफेशन, नेम ऑफ द प्रोफेशन, नेम ऑफ द प्रोफेशन, व्यवसाय का नाम, उसके नाम से शुरुआत होगी यहां पर. याद रखना ये दो बातें, वैकेंट के लिए, सिचुएशन वैकेंट के लिए संस्था के नाम से शुरुआत करते हैं और सिचुएशन वांटेड के लिए खुद के व्यवसाय से, खुद के प्रोफेशन से शुरुआत करते हैं. इसके बाद में क्या है यहां पर, क्वालिटीज, अदर क्वालिटीज, कोई दूसरे क्वालिटीज गुण है उसको बताते हैं. ये बताने के बाद में आगे का पॉइंट देखो यहां पर, इसकी शुरुआत भी देखो इससे कर सकते हैं, इज लुकिंग फॉर, इज लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर के बाद में क्या आता है, सबसे पहले देखो नेम ऑफ द प्रोफेशन, व्यवसाय का नाम बताने के बाद में इज लुकिंग फॉर और सीक्स, हम सीक्स भी लिख सकते हैं. ये लिखने के बाद में यहां पर आप बताएंगे कि टाइप ऑफ जॉब, किस तरह की जॉब चाहते हो आप, टाइप ऑफ जॉब, टाइप ऑफ जॉब आपने यहां पर लिख दिया, टाइप ऑफ जॉब, किस तरह की जॉब है उसका आपने जिक्र कर दिया. और ये लिखने के बाद में आपकी कोई अदर क्वालिटीज है, जैसे कि आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, इस तरह का जिक्र कर दिया आपने, अदर क्वालिटीज. दूसरा पॉइंट है आपका, जैसे कि क्या है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे आप,
क्वालिफिकेशन के बारे में तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका, एज बताओगे आप और सेक्स, ठीक। और फोर्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस बताओगे आप, अनुभव, कितने साल का अनुभव आपका। और अनुभव के बाद में आप अगला पॉइंट बताओगे, जैसे कि टाइम, यहाँ पर क्या है टाइम, यहाँ पर भी बता सकते हो आप, टाइप ऑफ जॉब के साथ इसका टाइम भी बता सकते हो, जैसे कि इसके आगे लिख देता हूँ मैं टाइम, यहाँ पर आ जाएगी कोमा, जॉब टाइम भी बता सकते हो, यहाँ पर भी बता सकते हो, यदि यहाँ नहीं बताया तो आगे बता दो चाहे। ये इसका जिक्र कर दिया, अनुभव का जिक्र कर दिया आपने, और जॉब एरिया, जॉब एरिया इसका भी जिक्र कर दिया आपको, जॉब कौन से इलाके में चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पर सिक्स पॉइंट है आपका खुद का कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर, विथ मोबाइल नंबर आ गया, ये लो, ये इतने पॉइंट है आपको लिखने पड़ते हैं। ये सबसे पहले देखो सिचुएशन वांटेड, हमें जॉब चाहिए, इसीलिए सिचुएशन वांटेड से शुरुआत करेंगे, टाइटल दे दिया कैपिटल लेटर में, लेटर्स में सिचुएशन वांटेड। फिर नेम ऑफ द प्रोफेशन, हमारा जो व्यवसाय है, हम क्या हैं, लेक्चरर हैं, वो लिख दिया। टाइप ऑफ जॉब, किस तरह की जॉब चाहिए आपको, उसका जिक्र कर दिया यहाँ पर, टाइम बता दिया उसका, और आपके अंदर अन्य गुण किस तरह के हैं, यदि आप इसका जिक्र करना चाहो तो इसका जिक्र कर सकते हो। फिर आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, क्वालिफिकेशन आपकी एज, सेक्स वगैरह, इससे संबंधित आप रिलेटेड बता सकते हो, अनुभव आपका दर्शा सकते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस कितने साल का है और कहाँ का है, इस तरह से आप दर्शा सकते हो। जॉब एरिया बता सकते हो कि कौन से इलाके में आपको जॉब चाहिए, और आपका एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, बस इतना ही जिक्र करना पड़ता है। चलो इसके तहत आप इसको लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन इन दिस टाइप, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इमेजिन योर सेल्फ ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ए कंप्यूटर ऑपरेटर, यू वांट ए जॉब, आपको एक जॉब चाहिए, राइट और ड्राफ्ट, राइट या ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एन एडवर्टाइजमेंट टू बी प्लेस्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर for this purpose, for this purpose, words limit आ गए यहाँ पर 50 words, जैसा कि आप जानते हो, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो क्या है, अपने आप को एक कंप्यूटर ऑपरेटर इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, यू वांट ए जॉब, आप एक जॉब चाहते हो,
तो इसके लिए क्या करना है, राइट या ड्राफ्ट लिखो या तैयार करो एन एडवर्टाइजमेंट टू बी प्लेस्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर में जारी करने के लिए एक यहाँ पर विज्ञापन तैयार करना है फॉर दिस पर्पज, मतलब इस उद्देश्य के लिए, इस कार्य के लिए। वर्ड्स लिमिट है 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें बॉक्स बनाना पड़ता है इन दिस वे, रेजिंग लाइन्स ऑन 3 साइड्स, वी हैव टू मेक ए बॉक्स फर्स्ट। हमें सबसे पहले क्या एक बॉक्स बनाना पड़ता है, ये बॉक्स बनाकर सेंटर में हम टाइटल देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सेंटर में टाइटल देते हैं। टाइटल कौन सा देंगे यहाँ पर, टाइटल दो तरह से देंगे इनमें, सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। यहाँ पर हमें जॉब की ज़रूरत है, हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं यहाँ पर और हमें जॉब की ज़रूरत है, इसीलिए सिचुएशन वांटेड टाइटल देंगे। सिचुएशन है, सिचुएशन वांटेड, यहां पर ये टाइटल दे दिया हमने, ओके सिचुएशन वांटेड। अब इसकी शुरुआत करनी है, देखो शुरुआत किससे करनी है, नेम ऑफ द प्रोफेशन, नेम ऑफ द प्रोफेशन, व्यवसाय का नाम। तो आप शुरुआत हमेशा इस तरह से करोगे, ए फेयरली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर ऑपरेटर, ए फेयरली एक्सपीरियंस्ड, फेयरली एडवर्ब है, इसका अर्थ है एक उचित तरह से, अच्छे ढंग से, उचित प्रकार से, अनुभवी, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी। अब प्रोफेसर का नाम, डाटा ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर आप लिख सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा ऑपरेटर जो भी है, ए फेयरली एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका जिक्र कर दिया। इसके बाद में जैसे लुकिंग फॉर, सीक्स भी लिख सकते हो आप, सीक्स लिख सकते हो या इसकी जगह पर आप लिख सकते हो इज लुकिंग फॉर, इज लुकिंग फॉर, ये भी लिख सकते हो आप इसकी जगह। सीक्स, अब किस तरह की जॉब चाहिए, जैसे कि आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो पार्ट टाइम का भी कर सकते हो, टाइम का भी है, फुल डे करना चाहते हो तो सीधा आपको पार्ट टाइम देने की, टाइम देने की जरूरत नहीं है, यदि आप पूरे दिन एक परमानेंट जॉब चाहते हो तो इस तरह से। और जैसे कि पार्ट टाइम है, इसका जिक्र इसमें आ जाता है, जैसे कि पार्ट टाइम यू वांट ए जॉब या यू वांट टू डू ए जॉब, यू वांट टू डू ए पार्ट टाइम जॉब, इन इन भी आ सकता है। सपोज ग्रो यू वांट टू डू ए पार्ट टाइम जॉब, यू वांट टू डू ए पार्ट टाइम जॉब, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। कहाँ पर, इन इन लगाकर आप लिख सकते हो, झुंझुनू, इन झुंझुनू, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर लिखोगे, टाइम भी लिखना पड़ेगा आपको, आता है तो, नहीं आता तो नहीं लिखोगे, आप सीधा लिख सकते हो ए फेयरली एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर सिक्स ए, ये टाइम दे दिया आपने, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम जॉब, ये लो किस तरह की जॉब चाहिए ये आपने दे दिया। और इसके बाद में टाइम, मतलब कहां पर, टाइम हो गया यहां पर, ए फेयरली एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर सिक्स से पार्ट टाइम, पार्ट टाइम का मतलब क्या, अतिरिक्त समय, टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद में अब बचा क्या है, इसके बाद में कौन सी चीज का जिक्र करेंगे हम, कहां पर, ये भी टाइम, स्थान देना पड़ता है इसके आगे, प्लेस भी देनी पड़ती है कि किस इलाके में चाहिए। तो इन, इन एंड अराउंड, इन एंड अराउंड झुंझुनू, झुंझुनू में और झुंझुनू के आसपास चाहिए, इसका जिक्र कर दिया आपने। जिक्र करने के बाद में अदर क्वालिटीज में, अदर क्वालिटीज आप अपनी बता सकते हो, यंग एंड एनर्जेटिक, ये बता दिया आपने, और पंक्चुअल, आप समय के अकॉर्डिंग कार्य करने वाले हो आप तो पंक्चुअल भी लिख सकते हो, ये एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, इनमें से एक दे दोगे तो भी ठीक है, पंक्चुअल तो रहना ही पड़ता है जॉब के लिए।
इसके बाद में देखो क्वालिफिकेशंस, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है इनका, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो आपने लिख सकते हो यहां पर जैसे ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी वगैरह, इस तरह से लिख सकते हो। कंप्यूटर कोर्स का नाम भी जैसे कि विथ PGDCA, MCA, एटसेट्रा इन कंप्यूटर, इस तरह से आप कंप्यूटर कोर्स का जिक्र कर सकते हो। ये जिक्र करने के बाद में क्वालिफिकेशन दे दी एज, एज का जिक्र, एज आपने लिखा जैसे कि यंग एंड एनर्जेटिक है, एज आपने लिख दी जैसे कि 28 ईयर्स ओल्ड, ओके। और सेक्स बता दिया आपने मेल, एक्सपीरियंस, अब जिक्र करते हैं एक्सपीरियंस का, आपको एक्सपीरियंस 5 साल का है तो आपने लिख दिया 5 ईयर्स, 5 साल का। और अनुभव से रिलेटेड या एक्सपीरियंस से संबंधित आप और कुछ जोड़ना चाहो तो लिख सकते हो प्रीवियसली वर्कड एज एन अकाउंटेंट के रूप में आपने काम किया है, और इसलिए आप क्या कर, कैन होल्ड अकाउंट्स को आप होल्ड कर सकते हो, इसका बही खाते का काम, पूरा अकाउंट्स का काम आसानी से कर सकते हो। इसके बारे में बता दिया एक्सपीरियंस के साथ में, जॉब एरिया पहले ही बता दिया अराउंड, इन एंड अराउंड झुंझुनू, यहाँ दर्शाने जरूरत नहीं है, सीधा आ रहा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस, इसलिए आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपका नाम देना पड़ेगा यहाँ, जैसे कि राहुल मान, इस तरह से आपका नाम दे दिया आपने, और एड्रेस भी दे सकते हो 265 52A, ये घर का नंबर है, इंदिरा कॉलोनी झुंझुनू, मोबाइल नंबर दे सकते हो आप, कोई भी एनी 10 नंबर्स, 9865003 5, इन दिस वे इसको क्लोज कर, ये लो, इस तरह से आंसर देना है, एकदम इजी वे में है, कोई कठिन नहीं है। देखो एक बार फिर से आप समझ सकते हो, इमेजिन योर सेल्फ है ए कंप्यूटर ऑपरेटर, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, यू वांट टू डू ए पार्ट टाइम जॉब इन झुंझुनू, झुंझुनू में आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, यू वांट टू डू ए पार्ट टाइम जॉब इन झुंझुनू, राइट और ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी प्लेस्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर में जारी करने के लिए लिखना आपको, वर्ड्स लिमिट 50 शब्द है। अब इसके लिए टाइम देना पड़ता है, टाइम आपने दे दिया कि देखो ए फेयरली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह से शुरुआत करनी है, ए फेयरली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर ऑपरेटर 6 या इज लुकिंग फॉर ए पार्ट टाइम जॉब इन एंड अराउंड झुंझुनू, झुंझुनू के आसपास से पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, टाइम दे सकते हो। देखो इसमें पार्ट टाइम जॉब आ गया, जॉब के बारे में बता दिया अतिरिक्त समय, लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम भी बता सकते हो, इन जैसे कि इन इवनिंग टाइम ओनली, इन इवनिंग टाइम बस, इस तरह से आप बता सकते हो।
अपने एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ गई, यंग एंड एनर्जेटिक हो गया, पंक्चुअल हो आप, क्वालिफिकेशन आपने बता दी, देखो ग्रेजुएशन विथ PGDCA इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का कोई कोर्स बता दिया आपने, एज आपके बता दी, सेक्स बता दिया आप मेल हो या फीमेल, एक्सपीरियंस 5 साल का है, प्रीवियसली वर्क्ड एस एन अकाउंटेंट, और आपने पहले अकाउंटेंट के रूप में भी काम किया है, कैन होल्ड अकाउंट्स आल्सो, और आप अकाउंट्स को भी होल्ड कर सकते हो, बही खाते का काम कर सकते हो। इसके बाद में देखो कॉन्टैक्ट, सीधा क्या है कॉन्टैक्ट, आपका नाम और या आपका घर का एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, इस तरह से या थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर आई विल डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक्स।